अजीत अगरकर ने हार्दिक पांड्या से लिया रोहित शर्मा का बदला, टीम इंडिया की टी20 कप्तानी से हटाया। हाल ही में आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस ने आईपीएल टीम के कप्तान रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाकर गुजरात टाइटंस से ट्रेड होकर मुंबई इंडियंस में वापस लौटने वाले भारतीय ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पांड्या को अपना नया कप्तान बनाया, जिसके बाद फैंस में इस बात को लेकर बहुत नाराजगी दिखी। इसी बीच फैंस का यह मानना है कि अब भारतीय टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर हार्दिक पांड्या को टी20 की कप्तानी से हटा सकते हैं। टीम इंडिया के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पिछले साल ऑस्ट्रेलिया में खेले गए टी20 विश्व कप 2022 में इंग्लैंड के हाथों सेमीफाइनल में भारत को मिली हार के बाद टीम इंडिया की हार के बाद से ही टी20 फॉर्मेट में भारतीय टीम की अगुवाई कर रहे हैं। यह संभावना बताई जा रही है कि हार्दिक पांड्या ही टी20 विश्व कप 2024 में टीम इंडिया की अगुवाई करते हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन बीते कुछ समय में टीम प्रबंधन का मन बदल चुका है और टीम प्रबंधन हार्दिक पांड्या से टी20 फॉर्मेट की कप्तानी छीन सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा कहा जा रहा है कि जून 2024 में होने वाले आईसीसी टी20 विश्व कप 2024, जिसकी मेजबानी संयुक्त राज्य अमेरिका और वेस्ट इंडीज करेगी, उस टूर्नामेंट में भारतीय टीम की अगुवाई के लिए टीम इंडिया के नियमित कप्तान रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या अथवा किसी भी अन्य खिलाड़ी की तुलना में भारतीय टीम प्रबंधन की पहली पसंद है। ऐसे में इस बात की पूरी संभावना है कि रोहित शर्मा ही टी20 विश्व कप 2024 में टीम इंडिया की कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं। रोहित शर्मा ने इस फॉर्मेट में टीम इंडिया के लिए अंतिम बार टी20 विश्व कप 2022 के सेमीफाइनल में ही दिखाई दिए थे। वहीं टी20 विश्व कप 2024 से पहले टीम इंडिया को केवल 3 टी20 मुकाबले ही खेलने हैं और इसमें रोहित शर्मा का उपलब्ध हो पाना बहुत मुश्किल लग रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।